अभी अभी आई एक बहुत बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 बड़े धाकड़ प्लान बनाए हैं। उनका मानना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी से आगे निकला जा सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से नए अंदाज के साथ पूरे एक्शन में आ गए हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ काम शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव में पराजय का सामना करने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेता भी अब फिर से सक्रिय हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर समीक्षा कर सभी राज्य के प्रभारियों से रिपोर्ट देने के लिए कहा है। यहाँ तक कि नहीं, उनका कहना है कि सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात कर यह रिपोर्ट तैयार की जाए और इसके आधार पर ही संगठन में बदलाव की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी महामंथन में जुटा हुआ है और महामंथन के बाद राहुल गांधी ने 5 प्लान अहम योजनाएं बनाई है। आपको बता दें कि जहां एक ओर पूरी पार्टी हार के कारण तलाशने और कमजोर पहलू तलाशने में जुटी हुई है, तो वहीं राहुल गांधी पार्टी को मजबूत बनाने और आगे ले जाने में जुटे हुए हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ बीजेपी के विकास रथ को पछाड़ने के लिए हरकत में आते हुए उन्होंने कांग्रेस की कायापलट के लिए 5 प्लान अहम योजनाएं बनाई है, जिसमें मीडिया सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि राहुल की योजना में सबसे पहली चीज हार पर प्रभारियों से रिपोर्ट जुटाना है। उन्होंने पार्टी के सभी प्रभारियों से लोकसभा चुनाव में मिली हार पर रिपोर्ट मांगी है, जिसके शीर्ष नेतृत्व में गहराई से समीक्षा की जाएगी और कांग्रेस इसके अलावा अपने काम करने के तौर तरीके में भी संशोधन के बारे में विचार विमर्श कर रही है, ताकि भविष्य में उसके पूर्व की गलतियों का सामना न करना पड़े। और राहुल गांधी के दूसरे प्लान के तहत पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि सभी राज्य के हर बूथ स्तर पर अपनी हार की वजह तलाशेगी। और इस प्लान के तहत स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया लेने से लेकर पार्टी के सभी छोटे बड़े नेताओं से इसमें प्रतिक्रिया ली जाएगी। और राहुल गांधी की तीसरी योजना के अनुसार पार्टी में काम करने की कार्यशैली और उससे भी महत्वपूर्ण संगठन में बदलाव पर सोचेंगे। मीडिया सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं से बातचीत और आपसी सहमति के बाद इस पर अमल भी संभव है। वहीं इनके चौथे प्लान के अनुसार यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर पार्टी से लोकसभा चुनाव के पहले या उसके दौरान आखिर गलती कहां और कैसे हुई। इन बातों पर कड़े तौर पर ध्यान दिया जाएगा। जबकि उनके पांचवें और आखिरी प्लान का मकसद है कि उक्त चारों प्लान के तहत पाई गई सभी कमियों को दूर कर नए और सकारात्मक चीजों को अपनाकर बदलाव करने में जुटना होगा। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी को अंदर से लेकर बाहर तक और जमीनी तौर पर मजबूत बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में पार्टी विपक्षी के सामने डट कर मुकाबला कर सके। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एक चीनी डेलीगेशन से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इससे पहले यह डेलीगेशन विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद से मुलाकात की थी। चीन के 8 मेंबर वाली अब डेलीगेशन ली सी के नेतृत्व में दिल्ली आया हुआ है। आपको बता दें कि ली सी चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के भी सदस्य हैं। इस बात की जानकारी कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने चीनी डेलीगेशन से मुलाकात की। इस डेलीगेशन का नेतृत्व ली सी कर रहे हैं। वो चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के पोलिटिकल ब्यूरो के सदस्य भी है। वहीं आपको बता दें राहुल गांधी के इस प्लान को लेकर राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि कांग्रेस अंदर खाने आने वाले दिनों में सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ता नजर आ सकता है। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उसी के आधार पर प्रचंड बहुमत हासिल किया है,